नमस्ते, मेरा नाम देवशी खंडूरी है। आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया फिल्म करियर की? फिल्म करियर की एक्चुअली मैं बचपन से राइटिंग करती थी और मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक था। और मैं देहरादून से हूँ, बॉर्न इन दिल्ली, ब्रॉट अप इन देहरादून। तो देहरादून में हमारा प्रोडक्शन हाउस भी था, तो बचपन से एक्टिंग, राइटिंग ये सब बचपन से करती आ रही हूँ। ब्रेक मुझे देव साहब ने दिया बॉम्बे आके, चार्जशीट में। मैडम, ब्रेक आपको जब मिला तो जी आपको कैसा लगा उस टाइम पे? एक्चुअली जब मुझे ब्रेक मिला उस टाइम मैं मॉडलिंग करती थी, एक्टिंग यहाँ पे मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो मैं देव साहब से ऐसे ही मिली थी, उनके हर फैन की तरह। और मैंने देव साहब को पोइट्री सुनाई सबसे पहले। तो पहले तो मुझे, इनफैक्ट एक्टिंग से पहले मुझे राइटिंग का ऑफर आया। देव साहब ने बोला आप गाना लिखेंगे हमारे लिए, आई सेड यस। और मेरे बर्थडे के दिन देव साहब ने एक फ़ोटोशूट रखाया था। और उसके बाद नेक्स्ट जब मैं मिली तो उन्होंने बोला आप हमारी फिल्म करोगे क्या। आई वॉज वेरी हैप्पी। अब मैं देहरादून की रहने वाली हूँ और मेरे ग्रैंडफादर सब टिहरी से है, पूरी फैमिली। एक्चुअली मैंने ना आधे आधे मतलब 80% शूट हो गया था, मैंने अपनी फैमिली में नहीं बताया था फिल्म कर रही हूँ। और उस टाइम मेरे मम डैड बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुए थे, देहरादून में थे, तो मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था। तो फाइनली मैं हॉलीडे के लिए मम्मी मम्मी पापा के पास गई और मैंने अपने डैड को बताया, क्योंकि मेरे डैड बहुत बड़े फ़ैन हैं देव साहब के। तो मैंने उनको बताया मैं फ़िल्म कर रही हूँ देव साहब के साथ। तो मेरे डैड ने मुझसे प्रूफ मांगा, उनका अच्छा रियली फिल्म कर रही हो तो दिखाओ फोटोग्राफ किधर है, फोटोग्राफ दिखाइए। तो अभी क्या होता है, आप जब जिनके साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं आप कभी फोटोग्राफ क्लिक ही नहीं करते हो, आपको लगता है वो तो आपके साथ में ही है। फाइनली जो मेरी फिल्म के लीड एक्टर थे, हीरो, मैंने उनको फ़ोन किया आपने कभी मोबाइल में क्लिक किया फ़ोटो का भेज दीजिए, मेरे डैड यकीन नहीं कर रहे कि मैंने देव साहब की फिल्म में काम किया है हीरोइन।